दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेवे। हम आपको किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा, लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो इसमें एमलम रोजगार का कोई योगदान नहीं। आज की इस वीडियो में हम ESPN ग्लोबल प्लान को कम्प्लीटली डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल ई स्पॉर्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अर्निंग करने का मौका दे रहा है, और ये कह सकते हैं कि UK से रन हो रहा है और ESPN ग्लोबल अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हेडक्वार्टर पोलैंड से बिलोंग करती है। ये हुई इसकी कुछ बेसिक बातें। इस प्लान के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ESPN वर्ल्ड के चार सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, ई स्पोर्ट्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गेमिंग टोकन और रेफरल प्रोग्राम। सोचिए इस कॉम्बिनेशन के साथ एक 100% ऑनलाइन बिजनेस बनाया गया है तो वो कितना वर्किंग और कितना बेनिफिट देने वाला होगा। तो वीडियो आप स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें ESPN ग्लोबल की कंप्लीट डिटेल्स के लिए। ESPN ग्लोबल में एसोसिएट बनने के लिए आप दो तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट फ्री और सेकेंड $50 पे करके। आप सिंपली ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर रजिस्टर्ड करेंगे, जो भी आपका ID पासवर्ड बनेगा, सिंपल जो नॉर्मल प्रोसेस रहती है एवरी एप्लीकेशन पे, तो वैसे आप फ्री भी इसे खेल सकते हैं। और एफिलिएट प्लेयर बनने के लिए इसमें आपको $50 स्पेंड करना होता है। यदि आप एफिलिएट प्लेयर बनते हैं तो उसके अलग एडवांटेज हैं। आप देख सकते हैं कि 5 ESPN प्ले टोकन आपको 12 मंथ तक मिलेंगे और एक यूनिक रेफरल प्रोग्राम के आप हिस्सा बन जाते हैं। रेफरल प्रोग्राम के साथ भी आप अर्निंग कर सकते हैं। SGT या बोल सकते हैं कि ERC20 स्मार्ट टोकन आप वर्थ $75 तक का फ्री उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक इसके अलावा आप एफिलिएट प्लेयर बनकर फेम मेंबर्स बनने का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ESPN ग्लोबल के मेंबर बनकर आप ESPN के अंदर आपको लगभग 9 प्रकार की इनकम मिलती है और हम 1x1 करके इनको डिस्क्राइब करने वाले हैं। रेफरल प्रोग्राम एक्सपीरियंस में हम देखेंगे रेफरल इनकम को। यदि कोई प्लेयर आपके साथ ज्वाइन होता है और फ्री गेम खेल रहा है, एज अ फ्री रेफरल वो आया है, तो आपको यहाँ पर $0.1 की अर्निंग होती है उसके रेफरल से। और वो यदि मिनिमम $5 से यदि वो गेम खेलता है तो आपको $0.5 एज अ रेफरल इनकम यहाँ पर मिलती है। इसी के साथ यदि कोई एफिलिएट मेंबर बनता है, एफिलिएट प्लेयर बनता है, मतलब आपने जिसे ज्वाइन कराया है वो $50 पे कर देता है, तो आपको एवरी $50 वालों से, जितने भी $50 पे कर रहे हैं उनसे 5% की इनकम यहाँ पे होती है रेफरल प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं ESPN ग्लोबल की टीम मैचिंग इनकम को। तो टीम मैचिंग इनकम यहाँ पर बाइनरी बेस पे दी हुई है, लेफ्ट और राइट, जो कि ऑलरेडी इस टाइप के प्लान आपने किए होंगे तो क्लियर होगा कि बाइनरी क्या होता है। जैसे $50 लेफ्ट और $50 राइट से एक एक ज्वाइनिंग हुई तो एक RP बन जाता है, और एक RP की वैल्यू मिनिमम $5 है और मैक्सिमम ये $25 जा सकती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। रैंक क्या होती है मैंने नेक्स्ट पेज में समझाया है। इसके बाद डेली मैक्स आउट की बात करें तो आप 30 RP से लेकर 100 RP तक का अचीवमेंट डेली ले सकते हैं। और डेली अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो $150 से लेकर $2500 तक डेली अर्निंग पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अब इसके बाद बात करेंगे सुपर मैचिंग बोनस की। तो ये आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इसे आप कैश भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं और इसे गेम खेलने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। और ये सुपर मैचिंग बोनस आपको वीकली पे किया जाएगा। सुपर मैचिंग बोनस की रैंक की बात करें तो एक एफिलिएट लेफ्ट और एक राइट में आता है तो आपकी रैंक होती है ACA रैंक, और यहाँ पर आपको 4 टोकन वीकली मिलेंगे 52 वीक्स तक, और आपकी टोटल जो टोकन्स हैं मतलब 208 टोकन आप यहाँ पर अचीव कर लेते हैं। इसी तरीके से जो रैंक ACA रैंक है, 3 ACA रैंक वाले मेंबर्स, 3 मेंबर्स आपके लेफ्ट में अचीव कर चुके हैं और 3 मेंबर्स राइट में, तो आपकी यहाँ पर रैंक हो जाती है हेरल्ड रैंक, और यहाँ पर आपको वीकली जो टोकन है वो 6 टोकन मिलेंगे 52 वीक्स के लिए।
मतलब सेकंड यदि आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टोटल टोकन है वो 312 कलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये रैंक आगे बढ़ेंगी। मैं डायरेक्ट आपको फिफ्थ रैंक एक बार एक्सप्लेन करूंगी कि 31 मेंबर ऐसे हैं जो एसी रैंक पर हैं और 31 मेंबर्स लेफ्ट में एसी रैंक पर हैं और 31 मेंबर्स राइट में भी एसी रैंक पर हैं, तो आपकी जो रैंक है वो कमांडर रैंक होगी। और यहाँ पर आपको वीकली ESPN टोकन 31 मिलेंगे 52 वीक्स तक, और टोटल आप 1612 टोकन यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये 12 यहाँ पर जो रैंक समझाई गई हैं, सेम एज मैंने जो 1, 2 और 5 एक्सप्लेन किया है, सेम उसी तरीके से ये वर्क करती हैं। और यहाँ पर आप देखें तो इमोर्टल जो रैंक है वहाँ से आप 520,000 तक के जो टोकन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग रैंक पे अलग अलग टोकन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मास्टर बोनस, इसके अलग फ़ायदे हैं। यदि आप 72 आवर्स के अंदर एक एसी रैंक अचीव कर लेते हैं, मतलब आप आज ज्वाइन हुए हैं और आज ज्वाइन 72 आवर्स के अंदर एसी रैंक ले लेते हैं। एसी रैंक क्या होती है इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, 1 लेफ्ट 1 राइट करने का जो चार्ट था वो आपने देखा है सभी रैंक का, तो आप यहाँ पर क्यूब मास्टर बोनस अचीव कर लेते हैं। और यदि आप नहीं कर पाते, ये मिस हो गया है, तो 30 डेज के अंदर आपको कमांडर रैंक पर जाना होगा। कमांडर रैंक का क्राइटेरिया सीरियल नंबर में आप 5 नंबर पे देखेंगे तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके पहले वाले पेज पर। यदि आप अचीव कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, आपके जो RP पॉइंट थे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, आपको वहाँ पर RP $5 मिल रहा था, लेकिन यदि आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं या तो 72 आवर्स वाला या 30 डेज वाला, तो आपको पर RP $6 की अर्निंग होती है। इसमें बताया गया है कि आप डेली कितना मैक्सिमम अमाउंट ले सकते हैं आपके वर्क के अकॉर्डिंग। यदि आप एफिलिएट प्लेयर्स हैं, यानी कि आपने कोई भी रैंक अचीव नहीं की है, तो आप यहाँ पर $5 RP पॉइंट ले सकते हैं और डेली आप 30 रिवॉर्ड ही ले सकते हैं, यानी कि 30 मैचिंग ही आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड क्विक मास्टर बन जाते हैं तो आपको एवरी RP पॉइंट का $6 दिया जाएगा और डेली आप 50 RP पॉइंट ले सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसी तरीके से थर्ड नंबर पे आप देखेंगे, यदि आप ऑलमाइटी अचीव कर लेते हैं तो एवरी इस रैंक में आपको एवरी RP पॉइंट का $7 पे किया जाएगा और आप $60 डेली अमाउंट ले सकते हैं, 60 रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। एक रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है वो $7 से किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे दिया गया है कॉन्क्यूरियर, और इसको यदि आप अचीव कर लेते हैं तो आपको एक RP का $8 कैलकुलेट किया जाएगा और आप डेली 70 रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। टाइटन रैंक में आपको एक RP $10 से काउंट किया जाएगा, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो $10 से आपको पे किया जाएगा और आप डेली 80 रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। इसी तरीके से इमॉर्टल रैंक यदि आप अचीव कर लेते हैं तो एक RP का आपको $25 पे किया जाएगा और डेली आप 100 रिवॉर्ड पॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्विक कमांडर रॉयल्टी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। यदि आप 30 दिन के अंदर कमांडर रैंक अचीव करते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया है, तो आप 2% शेयर होल्डर बन जाते हैं। आप कंपनी का जितना भी जो भी रेवेन्यू होता है उसका 2% शेयर आपको किया जाएगा। ये तो मिलेगा ही, इसके साथ जो भी आपने रैंक ली है, जो भी उनके बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको कंटिन्यू रहेगा ही। ये अलग से आपको क्विक कमांडर रॉयल्टी का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर मेडल ऑफ ऑनर की बात करेंगे, तो जिस दिन आप 60 रिवॉर्ड पॉइंट अचीव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर दिन में, तो इसे 1 मेडल पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा और इसको जो भी फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। टोटल मंथली सुपर कॉन्टेंट्स रेवेन्यू इंटू 2% अपॉन टोटल मॉडल पॉइंट्स इन मंथ, ठीक है। तो मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ ले सकते हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो $10 million गया है, इसे 2% से मल्टीप्लाई करके 2000 से हम इसे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर डे में आपने जो भी मेडल पॉइंट अचीव किए हैं वो 50, मतलब आपने 50 मेडल पॉइंट इस महीने आपने अचीव किए हैं, तो इसे इस कैलकुलेशन पर यदि हम फिट करेंगे तो ऊपर की जो कैलकुलेशन है वो $100 है, इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $5,000 यहाँ पर बन जाता है। और एवरी मंथ कंपनी के टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो 10 मिलियन मैंने सॉरी यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर बदलता रहेगा, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। और 60 रिवॉर्ड पॉइंट जो है उसे हम 1 मॉडल पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। इसी तरीके से हॉल ऑफ फेम बोनस को यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो ये 7 स्टेज क्लब के अंदर काम करेगा। $50 million से भी ज़्यादा आप यहां से अगेन एंड अगेन बोनस ले सकते हैं। इसे हम एक ऑटोपूल इनकम की तरह ले सकते हैं और कभी ये स्टॉप नहीं होता है, क्योंकि यहां पर फ्री रीएंट्रीज होती रहती हैं और ये पैसिव इनकम है, यानी कि जो पहले आएगा उसे पहले ये इनकम मिलेगी, कंटिन्यू इनकम मिलेगी। और इसके लिए ज़्यादा कुछ कंडीशंस यहाँ दी नहीं गई हैं, मैं इसके आगे इसको इसका जो हॉल ऑफ फेम का बोनस का जो कंप्लीट चार्ट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लब दिए गए हैं, क्लब प्लेयर, क्लब बोनस जनरेट,
नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए अपग्रेडेशन फीस, रिटर्न और फ्री री एंट्री के चार्ट दिए गए हैं। जैसे कि आप ओपल क्लब में हैं तो यहाँ पर ओपल क्लब में आपके बाद जो है वो 2S मेंबर काउंट होंगे और एवरी मेंबर आपको $10 की अर्निंग होगी, तो यहाँ पर $20 जनरेट होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए आपको $15 अपग्रेडेशन फीस देनी होगी, यानी कि यहाँ पर आपका बचता है $5। इसी तरीके से जेड में हम देखें तो 4 ओपल काउंट होंगे आपके बाद जो भी मेंबर्स हैं जो ओपल्स में आए हैं, जो 2S का ऊपर का जो फॉर्मूला वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से 4 ओपल यहाँ पर काउंट होंगे और चारों से $15 यहाँ पर आप अचीव करते हैं, यानी कि टोटल जो जनरेशन हो रहा है टोटल $60 यहाँ पर जनरेट होगा। 45 नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए डिडक्ट हो जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप रिटेन यानी कि प्रॉफिट लेते हैं $15 का। इसी तरीके से सभी क्लब आगे काम करते हैं। मैं यहाँ पर और आपको थोड़ा सा एक दो क्लब और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि हम बात करें यहाँ पर इमरल्ड क्लब की, तो यहाँ पर 32 सेफियर आपके डाउन में काउंट होंगे। $4,000 क्लब बोनस आपको यहाँ पर अचीव होगा पर सेफियर, तो आप यहाँ पर टोटल करें तो $1,28,000 यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं और इनमें से $1,00,000 नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए अपग्रेडेशन फीस में चला जाता है और $28,000 आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता है और आपकी यहाँ पर फ्री तीन प्लेस आपको यहाँ पर री एंट्री में मिल जाती हैं। मतलब फिर से आपको ये इनकम वन बाय वन अगेन एंड अगेन जनरेट होती रहती है। जैसे मैंने बताया था कि ये इनकम कभी स्टॉप नहीं होता है, ये एक हम बता सकते हैं कि ग्लोबली इनकम है या ऑटोपुल इनकम भी आप इसे बोल सकते हैं। इसी तरीके से रूबी में भी आप देखेंगे कि 6 आपको फ्री री एंट्री मिल जाएंगी, डायमंड में भी आपको री एंट्री मिल जाएंगी। और डायमंड के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए आपको कुछ भी अपग्रेडेशन फीस नहीं देना है। बहुत बड़ी इनकम आप द हॉल ऑफ फेम बोनस के अंदर कर सकते हैं। तो अगली इनकम की बात करें यानी माइनिंग, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एज अ नॉन वर्किंग इनकम भी मिल सकती है, यानी आप मात्र $50 इन्वेस्ट करती हैं तो आपको माइनिंग इनकम नहीं मिलता। आपको माइनिंग इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पर दो पैकेज दिए गए, यानी कि $127 आप इन्वेस्ट करती हैं तो आपको माइनिंग इनकम $0.8 ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बेनिफिट मिलती है, जो आपको 50 प्ले पॉइंट भी मिलती है जिसके द्वारा गेम खेल सकते हैं और यहाँ पर आपको 50 मेगा पॉइंट भी मिल जाती है। दूसरा पैकेज यहाँ पर रहती है $239 का, जिसमें आपको यहाँ पर $2 हर दिन मिलती है और 50 प्ले पॉइंट मिल जाती है और यहाँ पर 150 मेगा पॉइंट आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये था माइनिंग इनकम। दोस्तों बात कर लेते हैं अभी मेगा बाइनरी के बारे में। तो दोस्तों जो कि आपको यहाँ पर पीरियड का 10% मिल जाता है, यानी कि दोस्तों 300 मैच करने पर आपको $30 मिलती है रिवॉर्ड पे, और 600 मैच करने पर आपको $60, 1200 मैच करने पर आपको $120, 2400 मैच करने पर आपको $240, 4800 मैच करने पर आपको $480, 9600 मैच करने पर आपको $960, 19200 मैच करने पर आपको $1920, और 38400 मैच करने पर आपको $3840, 76800 मैच करने पर आपको $7680, और दोस्तों यहाँ पे 153600 मैच करने पर आपको $15,360 आपको रिवॉर्ड पे दी जाती है। इतना सब देखने के बाद कहीं ना कहीं हम ये जरूर सोचते हैं कि कंपनी इतना हमें पे कैसे करेगी, इतना रेवेन्यू ये कहाँ से कलेक्ट करते होंगे। तो वो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया है, ये अपना रेवेन्यू मीडिया राइट से कलेक्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप से, टिकट और टूर्नामेंट से, प्लेयर क्राउड फंडिंग से, फ्रेंचाइजी से, एडवर्टाइजिंग से, टिकट से, गेम पब्लिश करके, ये जगह जगह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हैं। तो आप यहाँ पर फील फ्री होकर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यदि हमें पता ही नहीं है कि कोई कंपनी कहाँ से इतना प्रॉफिट दे रही है तो हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं। यहाँ मैंने आपको ESPN टोकन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर मैं स्मार्ट गेमिंग टोकन यानी SGT टोकन के बारे में भी बता देती हूँ। जो भी एफिलिएट प्लेयर्स हैं उनको फ्री SGT टोकन्स वो कलेक्ट कर सकते हैं और करंट रेट पर यदि इसकी वैल्यू देखें तो $0.003 की इसकी वैल्यू है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में जुड़ने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर प्लेटफॉर्म में बहुत सारे गेमिंग चलते हैं, बहुत सारे ई-स्पोर्ट ऑनलाइन चलते हैं, हर बहुत अलग अलग तरीके के गेटवे के साथ। तो आप भी इस लीड का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ज्वाइन होकर। लास्ट यदि हम डिपॉजिट और विड्रॉल की बात करें तो ये एक्सेप्ट करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और ट्रॉन, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आने वाली हैं, बहुत सारी यहाँ पर लिस्टेड होंगी। यदि आप इनके अलावा, वैसे तो जो मेन करेंसी है वो यहाँ पर अवेलेबल है, इनके अलावा किसी और करेंसी में वर्क करना चाहते हैं तो नियर फ्यूचर वो भी यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगी। तो
तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया अमेजिंग ब्लॉकचेन गेमिंग एप्लीकेशन को, जो कि बहुत बढ़िया अर्निंग आपको यहाँ पर अर्निंग करने का मौका दे रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और कुछ डाउट है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें। इसी के साथ यदि आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।